हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग सांग कैरी सिटी में आ जाता है और यहाँ पे तांग सांग को इसकी वाइफ है सिया वो भी दिखती है एक टी शॉप में, मगर इसे पिछले लाइफ का कुछ भी याद नहीं था। अब ये स्ट्रांग बनने के चक्कर में एक कॉलिजन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाला है। अब आगे, ये सुनने में काफी अच्छा कॉम्पिटिशन लगता है। तांग सांग को इस कॉम्पिटिशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जबकि ये आज अपने वाइफ को ढूंढ सका है। तो फिर अब तांग सांग काफी फास्ट स्ट्रांग बनना चाहता है, क्योंकि ये जानता है कि अभी ये फोर्थ टियर लेवल पे ही है और इस लेवल पे होकर ये किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इस सिटी में टियर 6-9 तक के पावर हाउसेस पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं और ये फास्ट पावरफुल बनकर अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इस वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग के पास एक ही एबिलिटी आ सकता है, मगर जबकि तांग सांग के पास स्वान टियन गांव है, फिर ये डिफरेंट मॉन्स्टर की एबिलिटी को सॉल्व कर सकता है और एक से ज्यादा स्किल्स को गेन कर सकता है। अब ये लोग अपने डिनर को करते हैं और इस कंपटीशन को देखने जाते हैं। यहाँ पे ये कंपटीशन भी उतना फेमस नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर यंग मॉन्स्टर ही पार्ट लेते हैं। इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस के लिए 5 एलिमेंट कॉइन रिवॉर्ड है, 6th प्लेस के लिए लो लेवल का रिवॉर्ड है, 4 रिवॉर्ड 5th टियर चैंपियन के लिए, 3 रिवॉर्ड 4th टियर चैंपियन के लिए है और सिर्फ एक ही एलिमेंटल कॉइन 3rd टियर चैंपियन के लिए रिवॉर्ड है। इस वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल का करेंसी जिजिन कॉइन को माना जाता है और सेकंड है टियान्यू कॉइन को, और इस कंपटीशन में रिवॉर्ड्स में इन दोनों में से कोई कॉइन नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर भी काफी बड़ा है और काफी लोग भी यहाँ पे जमा हुए हैं और ह्यूमन वेसल्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। कॉलिजन कॉन्टेस्ट भी अब स्टार्ट ही होने वाला है। सडनली तांग सांग अब इस अरीना में इसे काफी आवाज सुनाई देता है और ये इन सभी मॉन्स्टर के चिल्लाने का आवाज है। एक बियर मॉन्स्टर निकल कर सामने आता है। बियर मॉन्स्टर क्लैन भी काफी पावरफुल क्लैन होते हैं। इस कॉम्पिटिशन में कॉलिजन में जो भी अपने ओपोनेंट को दूर तक धक्का दे सकता है वो जीत जाएगा। बियर मॉन्स्टर अपने हाथों को मूव करता है और अब ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। दो मॉन्स्टर निकल कर सामने आते हैं। ये बियर मॉन्स्टर 7th टियर लेवल पे है। इधर तांग सांग भी इसे देख रहा है और ये सोचता है क्या ये इसमें पार्ट ले सकता है। अगर ये जीत जाता है फिर इसे कुछ क्वाइंस भी मिल सकता है। तांग सांग अब यांग फेंग को ये बात कहता है। यांग फेंग भी तांग सांग के फुल टैलेंट को देखना चाहता है। तांग सांग सोचता है कि अब ये नॉर्मल तरीके से कल्टीवेट तो नहीं कर सकता है, नहीं तो इसे पावरफुल बनने में काफी समय लग सकता है, इसे तो रिस्क लेना ही होगा, तभी ये जाकर पावरफुल भी बन सकता है कम टाइम में। तांग सांग अब एक कपड़े को निकालता है और अपने फेस को कवर करता है और कहता है टीचर मैं इसमें पार्ट ले रहा हूँ, मैं होटल में वापस अकेले आ सकता हूँ। यांग फेंग कहता है ठीक है। इधर ये देखकर गोई गोई कहती है तुमने इसे क्यों इसमें पार्ट लेने दिया, इसका क्या जरूरत था। ये सुनकर ये कहता है तुम इसे देखकर जज नहीं कर सकती हो, ये काफी पावरफुल है। यांग फेंग कहता है मैंने किसी को भी नहीं देखा है जो 9 साल के एज में ही फोर्थ टियर लेवल पे चला गया हो। यांग फेंग भी नहीं जानता है कि इसका डिसेबल का फुल पावर क्या है। तांग सांग अब साइन अप के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाता है और यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर और ह्यूमन वेसल्स भी यहाँ पे होते हैं। तांग सांग यहाँ पे एलिमेंट कॉइन को जीतना चाहता है। एलिमेंट कॉइन को जीतने के बाद अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उस कॉइन को ये चूज कर सकता है। इस टाइम पे तांग सांग इस कॉम्पिटिशन में पार्ट इसलिए भी ले रहा है क्योंकि ये मॉन्स्टर की एबिलिटी को डिवोर भी करना चाहता है। तांग सांग साइन अप काउंटर के पास में है और यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए साइन अप कर रहा है। बाहर से कॉलिजन का भी साउंड आ रहा है। ये मॉन्स्टर कॉम्पिटिशन के लिए कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है इसमें भाग लेने के लिए, बस एक टोकन चाहिए होता है इसमें पार्ट लेने के लिए, और इसके लिए तांग सांग यहाँ पे है। तांग सांग यहाँ पे कॉम्पिटिशन को चेक करता है और स्टेज की ओर देखता है, एक वॉल में क्रैक से यहाँ पे एक गार्ड तांग सांग को देखता है और जबकि तांग सांग 9 साल का ह्यूमन चाइल्ड है फिर ये इसे देखकर हंस रहा होता है। इधर तांग सांग देखता है कि स्टेज पे एक बियर मॉन्स्टर और एक लिजर्ड मॉन्स्टर इन दोनों के बीच में कॉलिजन हो रहा है और लिजर्ड मॉन्स्टर के बोन के टूटने का आवाज सुनाई देता है। बियर मॉन्स्टर काफी पावरफुल होते हैं, हालांकि यहाँ पे बियर मॉन्स्टर जो है ये यंग है, एक अडल्ट नहीं है, नहीं तो फिर ये और भी ज्यादा पावरफुल होता। अभी तांग सांग के पास दो ही स्किल्स है, एक तो लियोपार्ड फ्लैश जो कि हाई स्पीड है और इसे अब तक तांग सांग इम्प्रूव नहीं किया है, और दूसरा विंड ब्लेड जो कि एक लॉन्ग रेंज अटैक है। स्टेज पे जो बियर मॉन्स्टर है ये इस लिटिल बियर के हाथों को ऊपर की ओर करता है और इसे विनर डिक्लेयर करता है और कहता है ये मेरा बेटा है। ये लिटिल बियर 3rd टियर लेवल पे है। 3rd टियर लेवल बैटल के बाद में 4th टियर लेवल बैटल स्टार्ट होगा। 4th टियर बैटल में पहले प्रोकोपाइन क्लैन आते हैं कॉलिजन बैटल करने के लिए। हालांकि टांग सांग को इस क्लैन के एबिलिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस प्रोकोपाइन मॉन्स्टर का ओपोनेंट एक लियोपॉड मॉन्स्टर है। इन दोनों का मैच अब स्टार्ट होता है। प्रोकोपाइन मॉन्स्टर अपने बैक स्पाइन से निकलने वाले सांप बोन को शूट करता है, इससे ये लियोपॉड मॉन्स्टर का सभी रूट को ब्लॉक कर देता है जिससे ये आगे नहीं आ सके। इस मैच का एक ही रूल है कि ये मैच स्टार्ट होते ही 3 सेकंड के अंदर में कॉलिजन होना चाहिए ताकि विनर का डिसाइड हो सके। टांग सांग देखता है कि लियोपॉड मॉन्स्टर अपने स्पीड का यूज करता है और काफी फास्ट स्पीड आकर अब ये कोलाइड करता है। इस कोलिजन के बाद लियोपॉड मॉन्स्टर इस फाइट को जीत जाता है। स्पीड का एडवांटेज होने के कारण से कोलिजन भी काफी जबरदस्त था। तांग सांग यहाँ पे आगे के नेक्स्ट 3 बैटल को भी देखता है और देखता है कि इन बैटल में कैसे स्पीड और स्किल ओपोनेंट को डिफीट करने में कितना यूजफुल है। नेक्स्ट मॉन्स्टर अब स्टेज पे आता है और अब इसके ओपोनेंट को कॉल किया जाता है। सभी देखते हैं कि ह्यूमन चाइल्ड अपने हाथों में नंबर 6 टोकन को लेकर आगे आ रहा है और इसके फेस पे एक कपड़ा बंधा हुआ है, इसका फेस कवर है। ये और कोई नहीं बल्कि टांग सांग ही है। यहाँ पे ऑडियंस भी उतना सरप्राइज नहीं होते
कि बच्चा अपने फेस को कवर किए हुए। ये सभी भी जानते हैं कि एक ह्यूमन चाइल्ड एक वेसल ही होगा, तभी यहाँ पे आया भी है। अगर ये कोई पावरफुल मॉन्स्टर को ऑफेंड कर देता है फिर ये मारा भी जा सकता है। दूसरे सोच रहे हैं कि इस बच्चे में इतना हिम्मत आया कहाँ से कि ये मॉन्स्टर का सामना भी करना चाहता है। इधर ये लियोपॉड मॉन्स्टर जो कि अभी 4 फाइट को कंटिन्यू जीत चुका है, ये तांगसंग की ओर देखता है और ये अपनी जीभ से अपने हाथों को चाट रहा है जस्ट लाइक एनिमल। दूसरे मॉन्स्टर अब लियोपॉड को देखकर कहते हैं इसे चीर फाड़ दो और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इनका फाइट भी अब स्टार्ट होता है। बैटल स्टार्ट होते ही ये मॉन्स्टर तांगसंग की ओर फास्ट स्पीड में आगे भागता है। इधर तांगसंग भी अब आगे मूव करता है और इसके आंखों से पर्पल लाइट रिलीज होता है। इसका ब्लू लाइट इसके बॉडी से रिलीज होता है और विंड एनर्जी अब इसके बॉडी में आना स्टार्ट होता है। इधर विंड पावर को देखकर लियोपॉड समझ जाता है कि ये विंड वुल्फ टाइप से ही है और अब ये तांगसंग की ओर एम करने लगता है इसे किल करने के लिए। जबकि विंड वुल्फ इसके क्लैन के एनिमी है तो फिर तांगसंग और ये मॉन्स्टर दोनों ही अब इस स्टेज में मिडिल में बने हुए रेड सर्कल में आ जाते हैं और यहाँ पे ये इन दोनों का कोलिजन होने वाला है। मगर कोलिजन के पहले ही तांगसंग गायब हो जाता है और ये देखकर ये मॉन्स्टर भी हैरान होता है। हालांकि तांगसंग गायब नहीं होता, ये अपने छोटे साइज होने का फायदा उठाता है और ये इसके पैर के नीचे से स्लिप होकर इसके पीछे चला जाता है और अब तांगसंग का हैंड का कलर अब चेंज होता है और अब तांगसंग इस पे अटैक कर इसके पेट को पकड़ता है। इस टाइम पर तांगसंग का बॉडी में इसका स्वर्ण टैन गोंग भी रन कर रहा है और तांगसंग इस लियोपॉड मॉन्स्टर का ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता है। इसे तांगसंग का लियोपॉड फ्लैश स्पीड इवॉल्व होता है और ये थर्ड टीयर से अब फोर्थ टीयर पे चला जाता है। तांगसंग ज्यादा इसका ब्लड लाइन को सॉलो नहीं करता, नहीं तो दूसरे इस थिंग को नोटिस भी कर सकते हैं और ये इसे अटैक कर अब दूर थ्रो करता है। ये सभी थिंग काफी फास्ट होता है, कोई भी नोटिस नहीं कर पाता कि यहाँ पे हुआ क्या। अभी तांगसंग के अटैक से इस लियोपॉड मॉन्स्टर के पेट में होल क्रिएट हो जाता है और इसका ब्लड भी आना स्टार्ट होता है। दूसरे सभी मॉन्स्टर ये देखते हैं कि इसका ब्लड कितना ज्यादा आ रहा है और ये कहते हैं कि एक ह्यूमन चाइल्ड ने लियोपॉड मॉन्स्टर को किल कर दिया है। ये देखकर अब एक वुल्फ डीमन आगे आता है और अपने मुंह को ऊपर की ओर करके जोर से एक वुल्फ का आवाज निकालता है और कहता है इस बच्चे में मेरे वुल्फ डीमन क्लैन का ब्लड है इसलिए इसका कल्टीवेशन काफी अच्छा है। इस टाइम पे वुल्फ डीमन ये इग्नोर कर देता है कि ये ह्यूमन चाइल्ड है और इसे अपने क्लैन मैन के जैसा ट्रीट करता है। तुरंत ही अब एक लियोपॉड मॉन्स्टर तांगसंग की ओर काफी फास्ट स्पीड में आगे आ जाता है। इधर ये वुल्फ डीमन जो की अभी भी तांगसंग का तारीफ कर रहा था ये 50 लेवल पे है मगर ये भी टाइम रहते हुए तांगसंग के पास में नहीं जा सकता है इसे सेव करने के लिए। इधर स्टेज पे बियर मॉन्स्टर जो कि 7th टीयर पे है ये कहता है अगर तुम इस फाइट को हार जाते हो तो तुम हार जाते हो, इसमें किसी का भी गलती नहीं है। इधर यांगफेंग और गोई गोई ये दोनों भी दूर से इस बैटल को देख रहे थे और ये भी इस सीन को देखकर काफी हैरान होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका दिल तो इनके हाथ में निकल कर आ जाएगा, इतना ज्यादा फास्ट इनका दिल भी धड़क रहा है। यांगफेंग कहता है इसने अभी भी एक 4th टीयर लियोपॉड मॉन्स्टर को किल कर दिया है, ये बच्चा कौन है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसका दिमाग तो टोटली ब्लैंक हो जाता है। इधर तांगसंग स्टेज में बियर मॉन्स्टर को देखकर कहता है तो क्या ये गेम अभी भी चल रहा है। ये सुनकर बियर मॉन्स्टर भी सरप्राइज है और ये कहता है हाँ। इस टाइम पे यहाँ पे सभी कह रहे होते हैं कि एक ह्यूमन चाइल्ड लियोपॉड मॉन्स्टर को किल कर चुका है, अब इनका क्या ही रिस्पेक्ट रह जाएगा। इस टाइम पे तांगसंग शांत है और इधर यांगफेंग को भी समझ में आ जाता है तांगसंग क्यों अपने फेस को कवर किए हुए। तुरंत ही अब नेक्स्ट ओपोनेंट आता है, एक राइनो मॉन्स्टर सामने आता है और तांगसंग की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है और अब ये आगे बढ़ता है। इधर तांगसंग भी अपने विंड एनर्जी से कवर है और अब इसके हाथ में विंड ब्लेड आता है और ये दो विंड ब्लेड को इस मॉन्स्टर की ओर शूट करता है। इधर ये राइनो मॉन्स्टर अपने हैवी आर्मर से कवर है और ये सोचता है कि तांगसंग का अटैक इसके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता है और ये आगे बढ़ता है रेड सर्कल की ओर और ये आगे भागते हुए अपने आंखों को बंद कर लेता है विंड ब्लेड को देखकर। इधर तांगसंग भी यही चाहता था कि ये अपने आंखों को क्लोज कर ले, राइनो मॉन्स्टर का बॉडी सच में काफी हार्ड होता है। तांगसंग भी ये बात जानता है और ये अपने विंड ब्लेड को इसके आई पे ही एम करता है, ये वीक पॉइंट है इसके बॉडी का। इधर तांगसंग अपने हाथों से इसके सर पे जोर से मारता है और इसका विंड ब्लेड भी इसके आई के पास में आकर ब्लास्ट होता है। कोलिजन के बाद सभी देखते हैं कि राइनो का बॉडी अब इस स्टेज पे पड़ा हुआ है, नीचे ये जमीन पे गिरा हुआ है। दूसरे भी देखते हैं कि ये काफी फास्ट डिफीट हो चुका है। इधर ये बियर मॉन्स्टर जो कि जज बना हुआ है अब ये भी एंग्री हो जाता है और कहता है एक ह्यूमन चाइल्ड को ये डिफीट भी नहीं कर सकते, क्या बकवास है, और ये कहता है इसे स्टेज से लेकर जाओ। राइनो मॉन्स्टर को लेकर जाया जाता है। दो मैच तांगसंग जीत चुका है अब तक। इधर गोई गोई भी तांगसंग को देखकर काफी सरप्राइज होती है कि विंड ब्लेड यूज कर ये दो फाइट को अब तक जीत चुका है। यांगफेंग भी जानता है कि एक साल पहले जब तांगसंग 30 लेवल पे था फिर उस टाइम पे ये तांगसंग से हार गया था और ये जानता है कि तांगसंग काफी स्ट्रांग भी है मगर इतना स्ट्रांग होगा ये भी नहीं जानता था। इधर स्टेज पे अब एक ईगल मॉन्स्टर सामने आता है फाइट के लिए। तांगसंग जानता है कि इसका फ्लाइंग एबिलिटी काफी ज्यादा इसके लिए एडवांटेज साबित हो सकता है। तांगसंग अभी दूसरे मॉन्स्टर के मन में क्या चल रहा है ये समझ सकता है। फ्लाइंग ईगल मॉन्स्टर को फाल्कन ट्राइब भी कहते हैं और इनका नंबर काफी कम है दूसरे मॉन्स्टर ट्राइब से।
स्थित। इनका आंख 10 माइल की दूरी तक को देख सकता है। इन दोनों का फाइट अब स्टार्ट होता है और फाइट के स्टार्ट में ही फाल्कन ईगल ऊपर एयर में फ्लाई करता है और ऊपर एयर से ही तांगसांग को देख रहा है और इसके आंख के एक छोटे से छोटे डिटेल को भी नोटिस कर लेता है। ये तांगसांग के मसल्स पे नजर रखे हुए है। इस टाइम पे तांगसांग के लिए भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मगर फिर भी ये रेड जोन की ओर आगे बढ़ता है, कोलिजन जोन की ओर, और ये ऊपर स्काई में फाल्कन ईगल को नोटिस कर रहा है। इसके आंखों में आंखों डालकर देख रहा है आगे भागते हुए। इधर फाल्कन ईगल तांगसांग के आई में देखता है और ये यहीं पे गलती कर देता है। तांगसांग का पर्पल डिमन आई अब ग्लो करता है और जैसे ही ऐसा होता है फाल्कन ईगल आई के आंखों के सामने अब अंधेरा छा जाता है। इसे आगे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर तांगसांग अब इस सर्कल के पास में आकर एयर में जंप करता है। इधर फाल्कन ईगल का आंख ओपन होता है, फिर ये देखता है कि इसके पास है ऑलरेडी विंड ब्लेड आ चुका है और ये दो विंड ब्लेड होते हैं। ये कितना भी फास्ट क्यों ना हो मगर इतने करीब से ये दो विंड ब्लेड को तो डॉज नहीं कर सकेगा, मगर ये किसी तरह से अपने बैलेंस को गेन कर अब डॉज करने का ट्राई करता है। लेकिन तांगसांग भी इस टाइम कहां देने वाला है। ये दो विंड ब्लेड अब फोर विंड ब्लेड में बदल जाते हैं और दो विंड ब्लेड इसके पीछे जाकर इसके विंग पे अटैक कर देते हैं और ये इंजर होकर अब नीचे जमीन पे आकर गिरता है। तांगसांग इस फाइट को भी अब जीत जाता है। यहाँ पे अब सभी मॉन्स्टर भी हैरान होते हैं, ये भी इस तरह के रिजल्ट का उम्मीद नहीं कर रहे थे। सभी ऊपर एयर में देखते हैं ये फाल्कन ईगल कैसे मिस्टेक किया था, मगर कोई भी नहीं जानता कि ये फाल्कन ईगल एयर में इस तरह का गलती क्यों किया था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विंड ब्लेड के साथ में ये ह्यूमन चाइल्ड अब तक में 3 मैच को जीत चुका है। नेक्स्ट अब इसका फोर्थ ओपोनेंट भी सामने आता है और ये एक डियर डीमन है, एक हिरन डीमन, और इसके सर पे बड़े बड़े हॉर्न्स भी हैं। डियर मॉन्स्टर का नंबर भी काफी ज्यादा है इनके क्लैन में। जो मेटल से लिंक सी कॉइन को बनाया जाता है, इस मेटल को फर्स्ट टाइम में डिस्कवर करने वाले ये डियर ट्राइब ही है। लिंक सी डियर जब इस मेटल को डिस्कवर किए थे फिर इसके नाम पे ही इस कॉइन को लिंक सी कॉइन कहा जाता है। इधर तांगसांग भी नहीं सोच रहा था कि अभी इसका फोर्थ ओपोनेंट लिंक सी डियर बन जाएगा। लिंक सी डियर इन डियर ट्राइब के रेस का एक नाम है। ये लिंक सी डियर इस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया करते हैं। ये फाइटिंग में अच्छे नहीं होते हैं, मगर कॉलिजन में इनका जवाब नहीं है, ये काफी अच्छे हैं और साथ ही इनका फैमिली का कनेक्शन भी पावरफुल टाइप से है। अब इन दोनों का फाइट अब स्टार्ट होता है और तांगसांग पहला मूव करता है। इधर ये डियर भी अब फास्ट आगे बढ़ता है। अब इन दोनों का डिस्टेंस भी धीरे धीरे क्लोज होता जाता है और जैसे ही ये दोनों भी अब पास में आते हैं इधर ये डियर मॉन्स्टर को अब डर लगने लगता है और ये शेक भी करने लगता है। इधर तांगसांग इस बात का फायदा उठाता है और तांगसांग एयर में जंप कर अब इसके सर के ऊपर में हाथ रखता है। ऐसा करते ही अब ये डियर मॉन्स्टर अपने सर को शेक करता है और तांगसांग मिड एयर में ही उल्टा पुल्टा होकर आगे की ओर दूर जाकर गिरता है। इधर ये डियर मॉन्स्टर इस टाइम पे रेड जोन में खड़ा है और इसे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये इस फाइट को जीत चुका है। तांगसांग इस फाइट को जानबूझकर हार जाता है। इधर दूसरे मॉन्स्टर भी ये देखते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस हार में तांगसांग ज्यादा इंजर नहीं है। ये सोचते हैं कि शायद पिछले फाइट में इसका एनर्जी खत्म हो गया होगा। इधर तांगसांग अब तुरंत ही खड़ा होकर यहाँ से स्टेज से निकलता है और ज्यादा वेट नहीं करता। इधर तांगसांग को जाते हुए कुछ लियोपार्ड मॉन्स्टर देख लेते हैं। इधर तांगसांग अब अपने ऑरा को चेंज करता है, विंड वुल्फ ऑरा को चेंज कर अब लियोपार्ड ऑरा से बदल देता है होटल तक जाने के लिए, ताकि लियोपार्ड मॉन्स्टर इसका पीछा ना कर सके। आज तांगसांग अगर अपने फुल पावर के साथ में फाइट करता तो फिर ये पूरे कॉम्पिटिशन को भी जीत सकता था, मगर इसमें इसका ही लॉस होता, सभी मॉन्स्टर इसके पीछे लग सकते थे। आज का मेन पर्पस वैसे भी अचीव हो चुका है। तांगसांग के आने के बाद अब यानफेंग और गुई गुई भी ये भी होटल में आ जाते हैं और सीधा तांगसांग के रूम में आते हैं। इससे पहले कि ये दोनों कुछ कह पाते, तांगसांग इन दोनों के सामने लिंग शू कॉइन को दिखाता है और ये देखकर ये भी सरप्राइज है। ह्यूमन स्लेव काफी पुअर होते हैं, ये डीमन कॉइन के अलावा और दूसरे कॉइन को भी नहीं देख पाते हैं। तांगसांग लिंग शू कॉइन को निकालकर अब टीचर को देता है और कहता है मुझे माफ कर दे, मैंने आप दोनों को चिंता में डाल दिया। ये सुनकर अब यानफेंग कहता है तुम काफी हिम्मत वाले हो, तुमने एक लियोपार्ड मॉन्स्टर को किल कर दिया है आज। हालांकि तांगसांग कहता है मैं उसे किल नहीं करना चाहता था, मगर मैंने जब अटैक किया फिर वो हैंडल ना कर सका और वो मारा गया। यानफेंग कहता है रास्ते में आते हुए हमने काफी लियोपार्ड मॉन्स्टर को देखा, वो सभी तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तांगसांग पूछता है क्या इस कारण से दूसरे सभी ह्यूमन वेसल्स को मार दिया जाएगा। इस पर यानफेंग कहता है नहीं, सभी मॉन्स्टर क्लैन के पास अपना अपना ह्यूमन वेसल्स है और ये दूसरे क्लैन के वेसल में टांग नहीं अड़ाते। यह सुनकर तांगसांग थोड़ा रिलीफ फील करता है। गुई गुई कहती है तुम्हें आज के लिए रेस्ट करना चाहिए, कल तुम दोनों को चले जाना चाहिए। यानफेंग सर हिलाता है। यानफेंग तांगसांग से पूछता है गुई गुई के जाने के बाद कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम इस कॉम्पिटिशन में क्यों पार्ट लेना चाहते थे। ये सुनकर अब तांगसांग सर नीचे करता है और कहता है आज का मिल्क टी काफी अच्छा था और मैं पैसा जमा करना चाहता था इसके लिए। यानफेंग ये सुनकर ये भी सरप्राइज होता है, कौन सोच सकता है कि एक ह्यूमन चाइल्ड एक मिल्क के लिए इस तरह का डेडली बैटल में भाग भी ले सकता है। ये सुनकर अब यानफेंग भी फर्स्ट टाइम तांगसांग के लिए सैड फील करता है। यानफेंग कहता है कुछ भी स्टूपिड थिंग मत करना आपसे। इधर तांगसांग को फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आने के बाद इसे अपने फादर का याद आता है, इसके अपने पिछले लाइफ के फादर का टांग हाओ का। इसके फादर उस वर्ल्ड में टॉप पावर हाउसेस में से एक थे और उसने तांगसांग को बचपन में पाला था और इसे काफी डेंजर से भी सेव किया करते थे। आज तांगसांग के लिए एक काफी अच्छा दिन है क्योंकि आज ये सियावू से भी मिल सका है। यानफेंग तांगसांग को भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड।
ने जितना हो सकता है ये उतना करते हैं, ये बात तांगसांग भी जानता है। और ये कहता है टीचर काफी अच्छे पर्सन है। आज के फर्स्ट बैटल में लियोपार्ड मॉन्स्टर से फाइट में तांगसांग इसका ब्लड लाइन को एब्जॉर्व कर चुका है और अपने लियोपार्ड फ्लैश को इम्प्रूव कर चुका है। इससे तांगसांग का भी ओवरऑल पावर काफी इंक्रीज किया है और स्पीड के साथ बैटल में इसे काफी एडवांटेज भी मिल सकता है। और नेक्स्ट 3 मैचेस में जिन मॉन्स्टर को तांगसांग ने डिफीट किया था उनका थोड़ा सा ब्लड लाइन पावर को एब्जॉर्व कर सका है, राइनो डीमन का, फाल्कन ईगल का और डियर मॉन्स्टर का। ऐसा तांगसांग इसलिए किया है क्योंकि ये अपने स्किल को इंक्रीज करना चाहता था और साथ ही ये देखना चाहता था कि ये कितने डिफरेंट ब्लड लाइन को एब्जॉर्व कर सकता है। हालांकि जबकि तांगसांग 3 डिफरेंट ब्लड लाइन को एब्जॉर्व कर सका है फिर इसे न्यू स्किल्स भी मिले हैं, मगर अभी ये इस ब्लड लाइन का इम्प्रिंट है ये अपने बॉडी के अंदर में फिल नहीं कर पा रहा है, लियोपार्ड फ्लैश और विंड ब्लेड के जैसे। इसके बारे में तांगसांग अब सोचता है और फिर एक कंक्लूजन पे आता है कि शायद इस वर्ल्ड में नंबर ऑफ स्किल लिमिटेड हो सकता है। एक सर्टेन लेवल पे एक सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स ही लिए जा सकते हैं और शायद जब ये गॉड किंग लेवल पे चला जाएगा तो फिर ये शायद ज्यादा स्किल को भी यूज कर सकेगा। लेकिन तांगसांग के नजर में लियोपार्ड फ्लैश और विंड ब्लेड कुछ खास पावरफुल स्किल्स नहीं है जिसे ये फ्यूचर में भी ग्रो करने का सोचे भी, लेकिन अभी ये इस पावर के साथ में ही अटक चुका है। हालांकि तांगसांग थोड़ी देर में फील करता है कि इसका बॉडी में न्यू ब्लड लाइन इसका बॉडी में कुछ डिफरेंट फीलिंग दे रहे हैं। तांगसांग को डिफरेंट न्यू तरह का फीलिंग आ रहा है और ये भी समझ नहीं पा रहा कि ये इसे कैसे एक्सप्लेन करे, तो फिर ये अभी के लिए इसे छोड़ देता है और ये फ्यूचर में इसे ऑब्जर्व करेगा। तांगसांग जानता है कि टोटल अभी ये 5 डिफरेंट पावर को अपने बॉडी में फील कर सकता है और इन 5 में विंड ब्लेड और लियोपार्ड फ्लैश ये दोनों स्किल्स दूसरे 3 से काफी ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहे हैं और ये आसानी से इन 2 स्किल्स को फील कर सकता है, मगर दूसरे 3 स्किल्स को ये उतना स्ट्रांगली फील नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ये काफी आसानी से इन 2 को यूज कर सकता है और दूसरे 3 को अभी ना के बराबर। जब तांगसांग फाइट कर रहा था उस टाइम पे ये अपने ओपोनेंट का ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब किया था और अभी तांगसांग के बॉडी में राइनो मॉन्स्टर का डिफेंस, फाल्कन ईगल का आई पावर और डियर मॉन्स्टर का सोल ऑफ आई स्किल, ये तीनों स्किल तांगसांग अपने बॉडी में फील कर सकता है मगर ये इसे अभी यूज नहीं कर सकता है। अब तांगसांग बैठकर ध्यान लगाना स्टार्ट करता है और ये अपने बॉडी के अंदर में देखता है, फिर इसे एक वॉर्टेक्स दिखता है और ये वॉर्टेक्स में फील कर सकता है कि लियोपार्ड स्किल्स और विंड ब्लेड स्किल लगे हुए हैं और इस कारण से ये इन दोनों स्किल्स को यूज कर सकता है, मगर ये 3 डिफरेंट स्किल इस वॉर्टेक्स के ऊपर में भी फ्लोट कर रहे हैं और ये इसके साथ में अभी मर्ज नहीं है, इस कारण से ये इसे यूज भी नहीं कर पा रहा है। ये बिल्कुल एक गेम के जैसा है, गेम में हम स्किल्स को चेंज करते हैं और या फिर उसे इक्विप करते हैं ताकि उसे हम यूज कर सके। तांगसांग अब राइनो मॉन्स्टर के डिफेंस स्किल्स को अब अपने कॉन्टैक्ट को ब्रेक करता है और ये देखता है कि ये स्किल वॉर्टेक्स से अब दूर होता जा रहा है और ये गायब भी हो रहा है, तो अब ये समझ जाता है कि अगर ये इस तरीके से ऐसा कुछ करता है तो फिर ये स्किल्स भी डिलीट हो सकते हैं और अपने बॉडी से ये फालतू स्किल्स को डिलीट कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। तांगसांग सोचता है कि क्या अभी जो ये 2 स्किल यूज कर रहा है क्या इन दोनों में कोई स्किल को ये डिलीट कर सकता है क्या। अब ये सोचकर ये लियोपार्ड स्किल को अनइक्विप करता है, मतलब कि इस वॉर्टेक्स से इसे बाहर क्यों निकालता है जो कि वॉर्टेक्स में मर्ज है। अभी तांगसांग के लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ना कि स्किल को कैरी करना, ये बाद में लियोपार्ड स्किल को गेन भी कर सकता है अगर ये एक्सपेरिमेंट के दौरान ये स्किल डिलीट हो जाता है। तो फिर जब लियोपार्ड स्किल वॉर्टेक्स से सेपरेट होता है फिर तांगसांग नोटिस करता है कि ये 4th tier लेवल से अब बदलकर ये 3rd tier लेवल पे जा चुका है। जैसे ही ये इसे वॉर्टेक्स से अलग कर देता है तो फिर इसका एक लेवल घट जाता है। हालांकि इसे तांगसांग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मगर फ्यूचर में काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है अगर ये स्किल्स हाई लेवल पे हो तो फिर उस टाइम पे अगर इसका लेवल गिर जाएगा फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब तक एक बात तो ये आज सीख चुका है कि जबकि तांगसांग जान चुका है कि ये स्किल को रिमूव कर सकता है और साथ ही डिलीट कर सकता है, तो फिर ये वापस अब लियोपार्ड स्किल को अपने वॉर्टेक्स में मर्ज करता है और इसके साथ में दूसरे 3 स्किल्स को भी अपने वॉर्टेक्स में मर्ज करने का ट्राई करता है। तांगसांग पहले डिफेंस स्किल को अपने वॉर्टेक्स में मर्ज करता है। ये वॉर्टेक्स स्वान टेन गोंग टेक्निक से बना हुआ वॉर्टेक्स है इसके बॉडी के अंदर में। अब ये डिफेंस स्किल आकर इसके वॉर्टेक्स में मर्ज होता है। जब ऐसा होता है फिर तांगसांग को अपने इसके बॉडी पे प्रेशर भी फील होता है और इसके ब्लड लाइन में भी चेंजेस फील होता है, जैसे कि इसका फिजिकल पावर भी इंक्रीज कर रहा हो। नेक्स्ट अब तांगसांग ईगल आई को वॉर्टेक्स में मर्ज करता है। जब ईगल आई वॉर्टेक्स में मर्ज हो रहा होता है फिर तांगसांग को अपने आई में और साथ ही इसके अपने बॉडी में एक तरह का डिफरेंट सेंसेशन फील होता है और साथ ही इसे पेन भी फील होता है। हालांकि अभी ये उतना ज्यादा पेन फील नहीं करता, मगर ये एक बात तो समझ चुका है कि फ्यूचर में जब ये हाई लेवल ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करेगा और उसके स्किल्स को वॉर्टेक्स में ऐड करेगा फिर इसे काफी ज्यादा पेन भी फील हो सकता है। अब बारी आता है 5th स्किल का, डियर मॉन्स्टर का सोल ऑफ आई स्किल का। मगर तांगसांग जब इसे वॉर्टेक्स में ऐड कर रहा था फिर इसे रिपल्सिव फोर्स से फील होता है, जैसे कि वॉर्टेक्स बता रहा हो कि ये फुल हो चुका है, अब ये 5th स्किल को ले नहीं सकता है। अब तांगसांग ये फील कर अब ये भी निराश हो जाता है, ऐसा लगता है कि इसका नंबर ऑफ स्किल का स्लॉट है फुल हो चुका है, अब ये और ज्यादा स्किल को ऐड नहीं कर सकता है। अब तांगसांग यहाँ पे गिव अप करने का सोचता है और आज के लिए इसे बंद करने का सोचता है, मगर जैसे ही ऐसा करने वाला होता है वॉर्टेक्स के अंदर से एक तरह का सक्शन फोर्स निकल कर आता है और ये इस 5th स्किल को जो कि सोल ऑफ आई है इसे अपने अंदर में खींचना स्टार्ट करता है। तांगसांग ये देखता है और ये भी सरप्राइज होता है और जब ये नोटिस करता है तो फिर ये देखता है कि यहाँ पे ईगल आई स्किल इस सोल ऑफ आई स्किल को अपने अंदर में खींच रहा है
और ये इसके साथ में मर्ज हो रहा है। अब ये देखकर तांगसंग भी सरप्राइज है कि दो स्किल एक साथ में मर्ज हो रहे हैं, और तांगसंग ये सोचता है कि शायद हो सकता है कि ये दोनों ही आई स्किल है तो ये एक साथ में इवॉल्व हो सकते हैं। जब ये सॉलो हो जाता है फिर ईगल आई स्किल भी अब इवॉल्व हो चुका है पहले से, और इसका पावर भी पहले से बढ़ चुका है। आज का एक्सपेरिमेंट तांगसंग के लिए सक्सेसफुल रहा है। दो स्किल से अब इसके पास टोटल 4 स्किल हो चुके हैं और एक में तो 2 स्किल मर्ज हो चुका है। इसके साथ में अब तांगसंग रात भर कल्टिवेट करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग ये अपने आंखों को ओपन करता है, और जब ये विंडो के पास आता है फिर ये आगे के सीन को देखकर काफी सरप्राइज होता है। इसे अब पहले से काफी दूर तक दिखाई दे रहा है। तांगसंग भी जानता है कि ये चेंजेस ईगल आई और डियर मॉन्स्टर के सोल ऑफ आई स्किल के कारण से ही है। इस तरह के आई पावर में जब तांगसंग अपना पर्पल डीमन आई को ऐड करता है फिर इसका रिजल्ट भी काफी डबल हो सकता है, और ये सोचकर तांगसंग भी खुश है। तांगसंग अपने पर्पल डीमन आई के पावर के साथ में जब आगे देखता है फिर इसे टोटली डिफरेंट सीन ही दिखता है। ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड ही 3D डायमेंशन में बदल गया हो, और अभी से बर्ड का, इंसेक्ट का, इन सभी का आवाज भी सुनाई देता है और ये इन्हें फील भी कर सकता है। ऊपर स्काई में इसे देखने पे कलरफुल क्लाउड्स भी काफी दूर तक दिखते हैं, और इसका फील्ड ऑफ विजन भी पहले से काफी अच्छा क्लियर हो चुका है। आई पावर को यूज करने के साथ में तांगसंग अब विंड ब्लेड को समन करता है अपने हाथों में, और इस बार ये विंड एलिमेंट को अच्छे से देख भी सकता है और साथ ही ये फील भी कर सकता है, और इसका कनेक्शन भी काफी स्ट्रांगली फील होता है। ये लिंगशुए आई 30 सेकंड तक ही रहता है। तांगसंग कहता है ये स्किल सच में काफी अच्छा है। इस तरह के स्किल को तांगसंग फ्यूचर में डेवलप करने का सोच भी सकता है और इसे इवॉल्व करने का भी। इतने में यांग फेंग इसके रूम में आते हैं और तांगसंग को रेडी होने को कहते हैं, और कहते हैं तुम्हारी आंट बाहर में इन्फॉर्मेशन को गैदर करने गई है। बाहर में अभी भी काफी कमोशन है, और विंड वुल्फ ट्राइब और लियोपार्ड ट्राइब, इन दोनों में फाइट हुआ था कल। इन दोनों क्लैन को कैरी सिटी के गार्डियन सप्रेस कर रहे हैं ताकि ये फाइट ना करे, मगर ये दोनों क्लैन अब तुम्हें सर्च कर रहे हैं। तांगसंग अब विंडो को बाहर में देखता है और सोचता है कि लगता है कि जाने से पहले ये सियावू से मिल नहीं सकेगा। इधर मिल्क टी शॉप में मी गोंजी जो कि सियावू है ये यहाँ पे टी को सर्व कर रही होती है। सडनली इसके बॉडी में कुछ फीलिंग्स आता है, मगर ये भी समझ नहीं पाती कि ये अभी किस तरह की फीलिंग को फील कर रही है। इसकी मदर अभी इसे देखती है और इसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। इस पे ये कहती है हाँ मदर मैं ठीक हूँ। एक दूसरी गर्ल आती है और इसे कहती है तुम जाकर रेस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारी जगह पे काम करती हूँ, और इसे रेस्ट करने को कहती है। इधर दूसरी गुई गुई इन दोनों को अब सिटी के बाहर लेकर चली जाती है। सिटी के बाहर आने के बाद अब ये इन दोनों को गुड बाय बोल रही है, और तांगसंग से ये कहती है मैंने अब तक तुम जैसा टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा है, तुम काफी स्ट्रांग हो, मगर याद रहे अगर तुम ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ करना चाहते हो फिर तुम्हें पहले सेफ रहना होगा, तभी तुम्हारे पीछे भी ह्यूमन बीइंग आने वाले हैं और तुम्हारा वो वेसल भी बनेंगे। इस वर्ल्ड को मॉन्स्टर स्पिरिट ही कंट्रोल करते हैं। तांगसंग ये सुनकर सर हिलाता है। गोई गोई कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगी तो फिर तुम उस टाइम पे काफी पावरफुल और काफी बड़े भी हो चुके होगे। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यांगसंग जाते हुए तांगसंग से कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम काफी शांत नेचर के हो, मगर इस बार तुम इस सिटी में काफी इंपल्सिव नेचर को शो किए हो, ऐसा क्यों है। इस पर तांगसंग कहता है मैं जल्द से जल्द ग्रो करना चाहता हूँ और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं ह्यूमन बीइंग्स को सेव कर सकूँ। तांगसंग कहता है हम मॉन्स्टर से काफी इंटेलिजेंस है मगर फिर भी हम इस वर्ल्ड में स्लेव बने हुए हैं, ऐसा क्यों है। यांगसंग कहता है क्योंकि गॉड हमें लव नहीं करते हैं। तांगसंग कहता है ऐसा नहीं है, हम स्लेव इसलिए है क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है और अब तक हम इस वर्ल्ड में अपना कोई भी जगह नहीं बना सके। यांगफेंग इस तरह के आंसर का उम्मीद तो नहीं कर रहा था। तांगसंग सोचता है कि इसके पिछले लाइफ में सोल बीच पावरफुल हुआ करते थे मगर लास्ट में ह्यूमन उन्हें भी डिफीट करने लगे थे। यहाँ पे भी सेम थिंग हो सकता है, आज इसे 100 साल बाद या फिर 1000 साल बाद ह्यूमन इन मॉन्स्टर और स्पिरिट को डिफीट कर सकेंगे शायद, और अपना खुद का एक जगह भी बना सके। बात करते करते अब ये दोनों अपने फेंगलांग सिटी में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये दोनों अपने घर पे आ जाते हैं, और यहाँ पे घर के बाहर में 4 लोग ट्रेन कर रहे हैं। लिंगसुए भी यहाँ पे है और ये ट्रेन कर रही है। तांगसंग को ये देखकर अब इसके पास में आती है और कहती है तुम आ गए। ये तो कहती है टीचर जाने से पहले हमें प्रैक्टिस करने को कहे थे और हम वही कर रहे थे। तांगसंग यहाँ पे इन 4 को देखता है और इनका प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। ये ग्रो तो कर रहे हैं मगर ये स्लो ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे वांग ब्रदर अब थोड़ा सा एरोगेंस शो करते हैं और कहते हैं ये इतना स्लो क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, ये अब तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन को भी नहीं कर सका है, और ये तांगसंग की ओर आगे बढ़ता है मगर तांगसंग इसे अपने हाथों से उल्टा कर इसे जमीन पर पटक देता है। इसका ये भी उम्मीद नहीं कर रहा था। ये वांग सियाली सोच रहा था कि ये तांगसंग को सिर्फ डराएगा ही। तांगसंग कहता है अगर तुम बैटल फील्ड में होते तो फिर अब तक तुम मारे जाते। वांग चाओ और वांग जोंग ये दोनों ही काफी सरप्राइज होते हैं आज तांगसंग को देखकर। तांगसंग कहता है तुम काफी वीक हो, नहीं यकीन है फिर तीनों साथ में आ सकते हो। ये सुनकर अब ये तीनों भी सरप्राइज है। इधर तांगसंग का विंड ब्लेड निकलकर वांग चाओ इन दोनों के पास में फ्लोर कर रहा है और ये विंड ब्लेड रेडी है हिट करने के लिए, बस ये तांगसंग के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वांग जोंग डॉच करता है और विंड ब्लेड आकर जमीन पे हिट करता है और एक्सप्लोड करता है। इधर वांग चाओ ये अपने विंड ब्लेड का यूज कर तांगसंग के अटैक को रोकना चाहता है मगर इसका विंड ब्लेड वीक निकलता है। इधर वांग सियाओली ये चिल्लाता है इसे छोड़ना मत। इधर लिंगशुए भी देख रही है। तुरंत ही अब यांगफेंग सभी को डांटते हैं और इन सभी को रोकने को कहते हैं। यांगफेंग को देखकर वांग सियाओली आकर अब कहता है टीचर ये हमसे स्ट्रांग क्यों है, इसने हम सभी को
को पीटा है अभी। तांग सांग कहता है, मैं चाहता हूँ कि अपने कल्टीवेशन के स्पीड को इंक्रीज कर सके। हालांकि यांग फेंग कहते हैं, मैंने तुम्हें रास्ते में ही कहा था अपने प्रोफाइल को लो रखा करो। हालांकि तांग सांग का कुछ और ही प्लान है। ये बस काफी फास्ट मी गोंजी के पास में जाना चाहता है और तांग सांग कैरी सिटी में वहाँ पे जाने के बारे में सोच ही रहा है कि किस तरह से इस सिटी से वहाँ पे ट्रांसफर लेकर जाया जा सके। यांग फेंग अब सभी को कहता है, ठीक है, कल से तांग सांग भी तुम्हारे साथ में कॉम्बैट क्लास को ज्वाइन करेगा। और तांग सांग को अपने साथ में सेकंड फ्लोर पे लेकर जाता है। यहाँ पे तांग सांग कहता है, टीचर, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में ये फास्ट ग्रो करे ताकि अपने वेसल ट्रेनिंग को पूरा कर सके। और अभी यांग फेंग को इस सिटी का मैप को फाइंड करने को कहता है और साथ ही यहाँ पे रहने वाले विंड वुल्फ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन को पता लगाने को कहता है। अगर हमें अपोनेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन पता हो फिर हम हर बैटल को जीत सकते हैं। ये सुनकर अब यांग फेंग भी सरप्राइज है क्योंकि इससे पहले बैटल के लिए ह्यूमन कभी भी प्लानिंग नहीं किया करते थे इस वर्ल्ड में। यांग फेंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन को सर्च करता हूँ मगर तुम्हें अपने पावर को एक सीक्रेट ही रखना होगा। इस मीटिंग के बाद अब तांग सांग अपने रूम में जाता है। यांग फेंग इस सिटी में सिटी लॉर्ड के लिए काम करता है और ये उनका वेसल है तो ये उनके काम को करता है मगर ज्यादातर ये खाली ही बैठा होता है। सिटी में यांग फेंग काफी स्ट्रांग है, ये 40 लेवल पे है मगर फिर भी ये एक स्लेव ही है और इस कारण से इसे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता जबकि ये ज्यादातर वुल्फ से इस सिटी में स्ट्रांग है। जब तांग सांग अपने रूम में आता है फिर वांग जोंग यहाँ पे पूछता है, ब्रदर तुम इतना स्ट्रांग क्यों हो। इस पर तांग सांग कहता है, हम हार्ड ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से स्ट्रांग बन सकते हैं। अब नेक्स्ट डे तांग सांग तीनों ब्रदर को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। तांग सांग वांग जोंग को घोस्टी शैडो सिखाता है और वांग चाओ को कैप्चर द ड्रैगन टेक्निक सिखाता है और वांग सियाओली को जेड हैंड सिखाता है। तांग सांग अपने स्वान टियान गांव को लिंग सुओ को सिखाना चाहता था मगर जबकि ये ट्रांसफॉर्म कर सकती है फिर इस टेक्निक के कारण से इसके बॉडी में ब्लड लाइन डिसऑर्डर हो सकता है इस कारण से इसे ये नहीं सिखाता। तांग सांग को वैसा पर्सन सर्च करना होगा जो कि पहले अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अवेकन नहीं किया हो तब जाकर ये समझ सकेगा कि दूसरे पर्सन इस टेक्निक को सीख सकते हैं या नहीं मगर अभी इसके पास तो ऐसा चांस नहीं मिलने वाला है तो ये लिंग सुओ को भी घोस्ट एंड शैडो मूव को प्रैक्टिस कराता है। अब तांग सांग के गाइडेंस में इन चारों का पावर भी काफी फास्ट इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। रात के समय में तांग सांग घर के रूफ पे बैठा होता है और प्रैक्टिस कर रहा है। इसे अभी भी सिया वो जो कि मी गोंजी है इसका याद आता है। तांग सांग अपने आई का यूज करता है जो कि दो डिफरेंट स्किल से कंबाइन होकर बना है। इस स्किल का यूज करते ही तांग सांग काफी हिडन थिंग को देख सकता है और तांग सांग यहाँ पे विंड एलिमेंट पे फोकस करता है और इसका हाथ में विंड एनर्जी आना स्टार्ट होता है और ये कंडेंस भी हो रहे होते हैं। ब्लू एनर्जी तांग सांग के पास देखा जा सकता है। तांग सांग जब से इस वर्ल्ड में आया है ये फील कर सकता है कि इस वर्ल्ड में सप्रेशन पावर काफी ज्यादा है और यहाँ पे इस वर्ल्ड के रूल से ही कल्टीवेट किया जा सकता है और जो वर्ल्ड का रूल है लगता है कि ये सिर्फ मॉन्स्टर स्पिरिट के ही फेवर में बने हैं इसलिए ये स्ट्रांग भी है मगर तांग सांग इस सप्रेशन को ब्रेक करना चाहता है लेकिन इसके लिए इसे गॉड किंग लेवल पर जाना होगा और जब ये चला जाएगा फिर उस टाइम पे ये छुप भी नहीं सकेगा। इसे इस प्लेन का मास्टर भी डिस्कवर कर लेंगे उस टाइम पे और शायद उस टाइम पे तांग सांग का पूरा वर्ल्ड ही एनिमी बन जाएगा। तांग सांग अब नीचे उतरता है और इस टाउन से निकलकर बाहर जाता है और अपने स्पीड को चेक करता है। तांग सांग का स्पीड काफी फास्ट है मगर ये इस टाउन से कैरी टाउन जल्दी नहीं पहुंच सकता है वहां से ये वापस आ भी नहीं सकेगा टाइम रहते हुए। इसे पहले कैरी सिटी जाने में 3 दिन का समय लगा था। हालांकि तांग सांग 1 घंटे तक हाई स्पीड में रन करता है। तांग सांग अपने स्पीड को टेस्ट कर रहा था यहाँ पे। तांग सांग सोचता है कि अगर इसके पास फ्लाइंग स्किल हो तो फिर ये आधे दिन में कैरी सिटी तक पहुँच सकेगा मगर अभी ये स्किल इसके पास तो नहीं है। तांग सांग वापस अपने घर आने लगता है और आते हुए ये कुछ थिंग्स को सोचता है जैसे कि ये डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं कर सकता है। अगर फ्यूचर में मॉन्स्टर क्लैन इस प्रॉब्लम को देखते हैं फिर शायद कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है तांग सांग को लेकर लेकिन अभी तांग सांग के लिए इसके मन में सियावो का ही ख्याल आ रहा होता है और तांग सांग अपने रूम में लौट जाता है और आज के लिए ये रेस्ट ही करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और गेम एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।